नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने ज़्यादातर यही कोशिश की है कि अधिकतर उन प्रश्नों को इन वीडियो में शामिल किया जाए जो अब तक की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में शामिल किए गए हैं, पूछे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी चुनाव किया जाता है जो आगामी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा सामान्य ज्ञान के संबंध में ये हमारी 11वीं वीडियो है। अब तक हमने करीबन 170 प्रश्न हरियाणा सामान्य ज्ञान के बारे में वीडियो निर्माण किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ऑपरेशन मुस्कान किस से संबंधित है? ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत जो खोए हुए बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि जो गुमशुदा बच्चे होते हैं उनके संबंध में की गई है। छैल गैला जांगी फिल्म कब प्रदर्शित की गई थी? इस फिल्म का जो प्रदर्शन है वो 1985 में किया गया था। यह एक बहुत ही हरियाणवी प्रसिद्ध गीत भी है जो कि एक तरह से लोकगीत के रूप में भी बहुत प्रचलित है। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी किसे बनाया था? हर्षवर्धन ने भारत में अपनी राजधानी हरियाणा में थानेसर को बनाया था। थानेसर जो है वो कुरुक्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है। कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है वो थानेसर में ही है। ठीक इसी तरह कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है वो भी थानेसर में ही है। और जब केथल से होते हुए कुरुक्षेत्र जाते हैं तो कुरुक्षेत्र शहर से ही ठीक थोड़ा सा पहले, वैसे तो ये कुरुक्षेत्र शहर से मिला हुआ ही है, लेकिन कुरुक्षेत्र से पहला जो रेलवे स्टेशन आता है वो थानेसर के नाम से ही आता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? हल्दी जो है वो पौधे के जड़, तना, पुष्प और फल, इनमें से जो तना होता है वो भाग होता है। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में जो संगमरमर है वो महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी वो क्षेत्र हरियाणा का जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो क्षेत्र है विकल्प नंबर 4 उत्तर पूर्व, यानी हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। जैविक खेती का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में जैविक खेती की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसी के संबंध में कुछ भारत के कुछ राज्यों में जैविक खेती के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। तो हरियाणा में जो जैविक खेती है उसका प्रशिक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र में है। ये कुरुक्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था और वर्तमान में यहां ब्रह्म सरोवर भी है और यहीं पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और कुरुक्षेत्र में ही कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी भी है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से ये वीडियो प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुँच सके जो किन्हीं कारणों से सेल्फ स्टडी करता है। सोहना के कुंड के गर्म पानी में क्या पाया जाता है, गंधक या सल्फर? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर 4। सोना का जो गर्म पानी का जो चश्मा है
उस कुंड में गंधक और सल्फर दोनों ही पाए जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से चमड़ी से जुड़े हुए जो रोग हैं, यानी कि चर्म रोग हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं उन्हें काला सोना कहा जाता है, और हरियाणा में मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। मुर्रा नस्ल जो है वो भैंसों की एक बहुत ही अच्छी नस्ल भी मानी जाती है। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1973 में। सलेट बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिला, कस्बा, नगर या गांव? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है गांव। हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है? तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है वहां मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। हरियाणा का नलकूप क्षेत्र में स्थान है। हरियाणा राज्य का नलकूप क्षेत्र में पहला स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नवकुंड कहाँ पर स्थित है? नवकुंड जो है वो कैथल में स्थित है। हरियाणा के कौन से शहर को वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इन शहरों में हरियाणा का जो अंबाला शहर है उसे वैज्ञानिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित जो पार्ट हैं वो सर्वाधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है गुरुग्राम, बावल या मानेसर? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी गुरुग्राम, जो कि पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसका नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया है, बावल और मानेसर, ये तीनों ही ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध हैं। एशिया की दूसरे सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो पानीपत में है। गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? गुड़गांव नहर की द्वारा सिंचाई जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों में ही की जाती है। इस प्रश्न का सही विकल्प है एक एवं दो, दोनों। प्रिय विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित बनी हुई हमारे प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक इसी तरह कंप्यूटर और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में हमने जो वीडियो तैयार की हैं उन वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती की जाती है? तो हरियाणा राज्य में सर्वाधिक रूप में हल्दी, जो एक तरह से मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, की खेती की जाती है। हल्दी जो होती है वो पौधे के तना जो भाग होता है से प्राप्त होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इन चार शहरों पानीपत, सोनीपत, करनाल और अंबाला में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में हरियाणा का पानीपत जो शहर है वो प्रसिद्ध माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं, बल्कि आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन
कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, तो आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब क्लिक करोगे तो वहाँ आपको हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित अब तक जितनी वीडियो बनाई गई है सभी वीडियो का सीरियल नंबर के साथ लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर के बारे में भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सामने जो ब्लू कलर की लाइन एक हाइपर लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो की शुरुआत हो जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप अपने उस मित्र या साथी से भी इस चैनल के बारे में चर्चा करें और उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।